नमस्कार मणिगुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। 31 मार्च नजदीक है, यानी टैक्स बचत के लिए निवेश करने के लिए बस कुछ ही दिन बाकी हैं। कोरोना की मार के चलते हर किसी को घर में रहने की सलाह दी जा रही है, जितना हो सके उतना तक। ऐसे में अगर आप टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये काम आप घर बैठे ही ऑनलाइन आराम से कर सकते हैं। कैसे किया जा सकता है काम A to Z, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे विकल्प जिनके जरिए आप घर बैठे बैठे निवेश और बचा सकते हैं टैक्स, ये बताने के लिए हमारे साथ आज हैं टैक्स एक्सपर्ट राज चावला। राज जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। आज के इस शो में हम कुछ खास चर्चा करने जा रहे हैं, चलिए उसकी बारीकियों पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में खास जानेंगे कि टैक्स बचाने के लिए कैसे करें ऑनलाइन निवेश, बैंक FD में निवेश करें या फिर PPF होगा बेहतर, कैसे बचेगा आपका टैक्स, होम लोन पर कैसे आप ले सकते हैं टैक्स छूट। तो चाहे आपका तरीका कोई भी हो टैक्स बचाने का, लेकिन जरिया एक होगा, वो होगा ऑनलाइन। और आजकल तो हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, लैपटॉप सामने रहता है, तो ये तरीका और जो पूरा प्रोसेस है और भी आसान हो जाता है। राज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि अभी सबको हिदायत दी गई है कोरोना के चलते जितना हो सके घर में रहें, कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम का भी कंपनीज ने ऐलान कर दिया है। ऐसे में जो लोग टैक्स बचाने के लिए निवेश नहीं कर पाए, उनको कहीं बैंक ना जाना पड़े या लंबी कतारों में ना लगना पड़े, भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाना पड़े, उसमें उसके लिए ऑनलाइन निवेश जैसे कई हमारे विकल्प मौजूद हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे विकल्पों की हम बात करने जा रहे हैं। कुछ दर्शकों के सवाल भी शामिल करेंगे शो में। सबसे पहले सबसे आसान तरीका निवेश करने का वो है फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में खोलते हैं। अब कई बार तो ऐसा होता है कि आपको बैंक में जाना पड़ता है, वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भरें, अर्जी दें और उसके बाद रकम जमा करके आप अपनी FD खोल सकते हैं। ऑनलाइन ये तरीका कितना आसान हो सकता है ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, 5 साल की बैंक फिक्स डिपॉजिट टैक्स बचाने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा स्वाति जी आपने। हमें अपने इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन डिडक्शंस लेने के लिए सेक्शन 80C के तहत अगर हम किसी FDR को 5 ईयर्स के लिए करते हैं तो उसमें हमें इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। और हम जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग है तो हम FDR को भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर हम किसी FDR को 1,50,000 रुपये तक ऑनलाइन कर लें तब हमें इसकी छूट मिल जाएगी। लेकिन ऑनलाइन के लिए हमें करना क्या होगा कि एक तो हमारा अपने बैंक के साथ KYC होना जरूरी है, हमारा वहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, प्लस हमारी नेट बैंकिंग होना जरूरी है। अगर ये हमने सुविधाएं अपने बैंक से ली हुई हैं तब हम अपने घर बैठ के इस 1,50,000 रुपये की जो सेक्शन 80C के तहत FDR कराने की जो डिडक्शंस है FDR के रूप में 5 साल वाली, इसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको घर बैठे ऑनलाइन ये पूरी प्रक्रिया करनी है, KYC आपकी पूरी होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंटली राज जी इसमें बैंक खाते में पैन नंबर अपडेट होना चाहिए। अगर पैन नंबर तो आज की डेट में आप जानते ही हैं हर जगह कंपलसरी है, पैन नंबर के बिना तो आज बड़ा मुश्किल है। इवन आप अभी मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि 31 मार्च 2020 इज द लास्ट डेट टू लिंक योर पैन विद योर आधार, इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के लिए भी अब मस्ट है। और बैंकों में भी हर जगह पैन नंबर जरूरी होता है, तो आपको अपने पैन को भी अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना होगा तभी आप इस छूट को ले सकते हैं और इस FDR को घर बैठे करा सकते हैं। तो ऑनलाइन कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके है, पॉपुलर विकल्प वही, लेकिन घर बैठे अपने नेट बैंकिंग की मदद से, अपने लैपटॉप के सामने रह के या फिर अपने फोन के जरिए भी आप टैक्स बचत के लिए निवेश अभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर भीड़भाड़ वाले इलाके में या फिर बैंक में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है या फिर एजेंट से मिलने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आराम से खुद आप कर सकते हैं इत्मीनान से। ये तो बात हुई बैंक FD की। अब दूसरा तरीका ELSS बहुत पॉपुलर है, 3 साल का लॉक इन पीरियड इसे और भी ज्यादा पॉपुलर बनाता है, निवेश भी है साथ ही इक्विटी में तो एक्सपोजर है ही लेकिन अच्छा रिटर्न भी देते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। ये ऑनलाइन जो प्रक्रिया है ELSS में निवेश करने की वो कितनी सरल है और किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है इसमें? आज की डेट में ELSS में निवेश करना बहुत ही आसान है। आप अपने घर पे बैठ के जैसे हम अपने शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, इसका भी जिस तरह से शेयर मार्केट के टाइमिंग पे आप शेयर खरीदते हैं, इसी तरह से जो ELSS वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के जो म्यूचुअल फंड हैं, उसको भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए भी आपका नेचुरली अपने ब्रोकर के पास अकाउंट होना चाहिए, उस ELSS कंपनी के साथ आपका लिंक होना चाहिए और आप उसमें
उस शेयर्स उनको ईएलएसएस के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया 3 साल के लिए, क्योंकि एफडीआर में हमें 5 साल के लिए पैसा ब्लॉक करना होता है और यहाँ पे जो हमारा है वो 3 ईयर्स का है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शेयर मार्केट खुले रहने तक का टाइम है उससे पहले आपको निवेश अगर करेंगे तो एनएवी का जो अलॉटमेंट है उसी दिन का होगा, एनएवी का आपको बेनिफिट मिलता है। हाँ, और अगर वो अगर 3 बजे के बाद किया जाए तो वो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन माना जाएगा। नेक्चुअली जो इमीडिएटली नेक्स्ट होगा, अगर छुट्टी का दिन आ जाएगा तो जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन का आपका एनएवी लिया जाएगा। बिल्कुल जी, मान लिया जाए कि समय थोड़ा बहुत है लेकिन फिर भी बिल्कुल एंड मोमेंट तक कम से कम अगर आप ईएलएसएस में निवेश करना चाहते हैं टैक्स बचत के लिए तो वो न रखें और 3 बजे तक का वक्त ध्यान रखिएगा जब आपको उसी दिन के एनएवी के आधार पर वो जो सर्टिफिकेट होगी या जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपके लिए जारी होगा जो आप इन्वेस्टमेंट प्रूफ के तहत दिखा सकते हैं। इसमें भी केवाईसी होना जरूरी है और नेट बैंकिंग के जरिए जब पेमेंट करते हैं ईएलएसएस की कुछ और बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? नहीं, बस इसमें तो अपना केवाईसी कराइए और अपना इसकी इन्वेस्टमेंट कीजिए और इसका एटीसी के तहत इसका बेनिफिट उठाइए आप। ओके, चलिए अब बहुत पॉपुलर एक और जरिया राजी वो है इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इनफैक्ट इसको तो कई लोग यही मान लेते हैं कि इंश्योरेंस ले ही रहे हैं टैक्स बचत के लिए। अब जब इंश्योरेंस पॉलिसी किसी ने ले ली तो वो भी ऑनलाइन खरीदी जा सकती है, कई लोग ये समझते हैं, लेकिन कितना सेफ है ऑनलाइन लेना? क्योंकि पॉलिसी के पूरे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना, कई बार जो बीमा एजेंट है वो आपको बैठ के समझाता है, ऑनलाइन आपको लगता है कि ये पॉलिसी लेना काफी समझदारी का कदम है? बिल्कुल, आजकल तो आप देखते हैं कि इतना पॉपुलर हो गया पॉलिसी बाजार, ये वो इतनी चीजें आ गई हैं और ज्यादातर हमारे लोग जो हैं ऑनलाइन हैं, आजकल हर किसी के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो हम अपने घर पे बैठ के रादर ऑनलाइन लेने से हम इसका अच्छे से कंपैरिजन भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास नेट बैंकिंग हो ताकि आप उसकी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन कर सकें, तो आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इंश्योरेंस पॉलिसी को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्रूफ ही देना है, लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ टैक्स बचत के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी न लें, सोच समझकर जैसे इंश्योरेंस की आपको जरूरत है वैसे ही पॉलिसी आपको लेनी चाहिए और हाँ, आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं टैक्स बचाओ ऑनलाइन, यानी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आप टैक्स बचत के लिए निवेश कर सकते हैं। वैसे भी अभी आजकल के माहौल में जब कोरोना वायरस का कहर है आपको घर में ही रहना चाहिए, ऐसा सरकार भी आपको सलाह दे रही है, कई जगह वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है ऑफिस में और घर बैठे भी आप जरूरी काम ऑनलाइन कर सकते हैं जैसे बाकी काम आप करते हैं। इसमें हमने क्या बात की अब तक, बैंक के फिक्स डिपॉजिट यानी 5 साल का एफडी आप घर में बैठे कैसे खोल सकते हैं आसानी से, केवाईसी अपडेट होना चाहिए आपका और बैंक खाते में पैन नंबर आपका अपडेट होना चाहिए। दूसरा हमने ईएलएसएस स्कीम्स की बात की, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम पॉपुलर जो कि आप आराम से घर बैठे खोल सकते हैं। इसके बाद आपने की केवाईसी की प्रक्रिया यहां भी पूरी होनी चाहिए और इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब बीमा आप घर में बैठ के ऑनलाइन कंपेयर करके कैसे ले सकते हैं ये ध्यान रखने की जरूरत है। इंश्योरेंस पॉलिसी में इनफैक्ट एक दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमारे साथ राज चावला आज है टैक्स एक्सपर्ट। राज जी, ऑनलाइन स्वास्थ्य बीमा अगर खरीदना है उसमें तो हेल्थ चेकअप होता है, तो इसमें क्या कोई एज लिमिट है? बिल्कुल, अगर आपकी उम्र 45 साल से कम है तब आपको हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी एज 45 ईयर से ज्यादा है तो तब आपको अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके उनको देना होगा, उसी के बेस पे वो आपका मेडिक्लेम का जो वो है पॉलिसी है उसको करेंगे। ओके, तो मतलब 45 साल से ज्यादा कई बार जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो यूजुअली जो है ऑनलाइन शायद एक्सेप्ट न करे क्योंकि इसमें मेडिकल चेकअप की जरूरत होगी जिसमें आपको पर्सनली अपने चेकअप करा के प्रेजेंट रहना होता है। अब एक और पॉपुलर जरिया है टैक्स सेव करने का वो है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये तो हमें पता है कि हाँ इसमें किस तरीके से हम अकाउंट खोल के फिर पीपीएफ में हम पैसे वगैरह डाल सकते हैं, ऑनलाइन ये प्रक्रिया क्या उतनी ही आसान है, उससे ज़्यादा आसान है? नहीं, ऑनलाइन ये बिल्कुल आसान है। जैसे आप मान लीजिए आपका पीएनबी के अंदर अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो पीएनबी में आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा लीजिए, उसका केवाईसी करा लीजिए, नेट बैंकिंग करा लीजिए और उसके अंदर ये फंड आप अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। और फंड ट्रांसफर करने में अगर आप 5 तारीख से पहले पहले फंड को ट्रांसफर कर देते हैं तो आपको फुल मंथ का उसके अंदर जो है इंटरेस्ट पीपीएफ में मिलता है। और स्वाति जी, मैं आपको बताऊं, आपको पर्सनल भी बताना चाहूंगा ये बात कि मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि एटीसी के तहत बेस्ट स्कीम पीपीएफ है, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिलती है जो कि सेक्शन 10 के तहत फुल्ली एग्जेम्प्ट है,
आप एफडी कराते हैं, एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा आपका टैक्सेबल होता है, लेकिन पीपीएफ का जो ब्याज है वो पूरी तरह से माफ होता है। और सबसे बड़ी बात मुझे इसमें और खूबसूरत क्या लगती है कि पीपीएफ क्योंकि एक्यूमुलेटेड मनी है, आपका पासबुक की तरह कंटिन्यू होता है। आप एफडी कराते हैं वो डिफरेंट डेट पे मैच्योर होती है, लेकिन पीपीएफ एक जगह एक्यूमुलेट होता रहता है, हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न होती है इसके अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो मेरे हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लिमिट भी रखी हुई है, एफडीआर तो कितनी की भी आप कर सकते हैं लेकिन छूट आपको 1.5 लाख की मिलेगी, लेकिन पीपीएफ के तहत आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा 1% इसमें जमा नहीं कर सकता। और एक बात मैं और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मिनिमम भी आपको 1000 रुपीज इसमें जमा करना जरूरी होता है, अदरवाइज आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मिनिमम 1000, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया आपको एक साल में जमा कराएंगे तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, और घर बैठे आप ऑनलाइन इसकी ट्रांजेक्शन अपने सेविंग अकाउंट को अपने पीपीएफ अकाउंट से लिंक करके इसमें आप सेविंग करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं पीपीएफ अकाउंट के, और साथ ही पीपीएफ में निवेश करके 1.5 लाख की छूट आप ले सकते हैं, और भी कई सारे बेनिफिट जैसा कि राज जी ने बताया हमें। एक और विकल्प की बात करें उससे पहले एक सवाल हमारे पास ईमेल पर आ रहा है। कौशल पटेल ये सवाल पूछ रहे हैं कि नौकरी पेशा है और जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है यहाँ पर इनके दो एम्प्लॉयर रहे, संभवतः दो जगह इन्होंने काम किया होगा, तो इसमें भी प्रॉब्लम ये हुई है इनके साथ कि जो इससे पहले वाली कंपनी थी उससे उनको फॉर्म 16 नहीं मिला है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या एडवांस आईटीआर में भर सकता हूँ, अब ये बताएं कि एडवांस आईटीआर कुछ होता है? हमारे यहाँ एडवांस आईटीआर का एक प्रोविजन है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप परमानेंटली इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, अदरवाइज तो हमें जब फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हो जाता है उसके बाद ही हम अपनी रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमानेंटली, एक तो होता है टेम्परेली हम विदेश जा रहे हैं, अगर हमें लगता है कि मैं परमानेंटली ही इंडिया को शिफ्ट कर रहा हूं, तब मुझे अपने साथ उस डेट तक जितनी भी मेरी इनकम होती है उसकी आईटीआर भर के उसका टैक्स जमा करके मैं जा सकता हूं। लेकिन जहां एम्प्लॉयर का चेंज होता है वहां पे आप इस तरह नहीं आपको आवश्यकता है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तब आपके जितने भी एम्प्लॉयर हैं उन सभी की जो आपकी सैलरी मिली है उसको कंसोलिडेट करके आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब इनको आईटीआर फाइल करना होगा आगे तो दोनों ही एम्प्लॉयर्स का पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी। हाँ जी, वो फॉर्म 16 कहलाता है, दोनों एम्प्लॉयर से आपको फॉर्म 16 मिलेगा और उन दोनों एम्प्लॉयर्स की डिटेल डालते हुए कहां से कितनी कितनी सैलरी मिली है, कितनी उनके यहाँ पे आपकी सेविंग्स हुई है, उन सबको एक्यूमुलेट करके तब आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। ये तो कह रहे हैं कि इन्हें पिछली कंपनी से फॉर्म 16 मिला ही नहीं, फिर क्या करें? फॉर्म 16 तो आपको ईयर एंड के बाद ही मिलेगा ना, जब लास्ट क्वार्टर होता है, क्योंकि फॉर्म 16 वो आपके लिए अकेले के लिए जनरेट नहीं करेंगे, एक सिस्टम है, ये फ्लो है पूरा। जब आप जो हमारा एम्प्लॉयर है वो फोर्थ क्वार्टर की जो टीडीएस की रिटर्न फाइल कर देगा उसके बाद वो ऑटोमेटिकली फॉर्म 16 जनरेट हो जाता है जो आपको मिल जाएगा, ड्यू डेट पे ही मिल जाएगा, तब आप दोनों एम्प्लॉयर्स के फॉर्म 16 लेके और अपनी इनकम को एक्यूमुलेट करके तब आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए जरा कि क्या आईटीआर भरने के लिए फॉर्म 16 होना जरूरी है कि उसके बगैर भी भरा जा सकता है? अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है तो फॉर्म 16 तो चाहिए होगा ना। इन्होंने बताया नहीं कि इनकी इनकम कहां से है, पर अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है, नौकरी पेशा है, तो फॉर्म 16 होना जरूरी होना जरूरी ही है। एक और सवाल लेते हैं, नूतन मिश्रा हैं ये हमें सवाल भेज रही हैं, ये हाउसवाइफ हैं और इन्होंने हाल ही में शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग शुरू कर दी है, तो बहुत ही बढ़िया बात है नूतन जी। अब ये कह रही है कि क्या शेयर मार्केट से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स लगेगा, अगर जो इनकी भी जो भी इनकम इनके शेयर मार्केट से आती है, और क्या ट्रेडिंग में प्रॉफिट पर टीडीएस कटने का कोई प्रोविजन है? इनकम तो किसी भी तरह की आपकी होगी, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो चार्जेबल होती है। हालांकि हमारे इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से अगर हमारी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो जो, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख का जो स्लैब है हमारा वो 5% का टैक्स है, जिसके अंदर हमारा टैक्स की जो अमाउंट बनती है वो 12,500 बनती है, और जो हमारे इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत एग्जेम्प्ट होता है। यानी कि कहने को तो ये है कि हमारी 5 लाख रुपए तक इनकम पूरी तरह से माफ है, लेकिन जो चार्जेबिलिटी है वो 2.5 लाख रुपए के बाद शुरू हो जाती है। आपको रिटर्न भरना जरूरी है 2.5 लाख के बाद, चाहे टैक्स जाए कि नहीं जाए। और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि टीडीएस शेयर की ट्रेडिंग की इनकम के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर किसी तरह के कोई टीडीएस का प्रोविजन नहीं होता है। ओके, और अगर लॉस हो जाए? लॉस हो जाए तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है आपके फायदे के लिए।
वो इसलिए अगर आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आने वाले सालों में उस लॉस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आपको रिटर्न तो भरनी है, लेकिन वो भी ड्यू डेट से पहले भरनी है। अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो अपने कैरी फॉरवर्ड लॉस का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। ओके, चलिए नूतन जी, आपको सवाल का जवाब मिल गया एंड वेरी हैप्पी ट्रेडिंग। थोड़ा ध्यान रखिएगा जरूर, क्योंकि बाजार में आजकल काफी उथल पुथल है। जो भी आपको करना है बाजार में, जिस तरीके का आपको निवेश के टिप्स चाहिए, आप डेफिनेटली हमारे चैनल में अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए भी ले सकते हैं। अब एक और विकल्प जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं राज जी, वो है होम लोन रीपेमेंट पर जो टैक्स छूट मिलती है। इसके ऑनलाइन निवेश के जरा या ऑनलाइन इसमें जो फायदे हो सकते हैं, कैसे लिए जा सकते हैं, वो बताएं, तरीका क्या है? स्वाति जी, है क्या कि होम लोन का रीपेमेंट क्या है कि जैसे आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है, जब हम हाउसिंग लोन की रीपेमेंट करते हैं तो किसी भी रीपेमेंट के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट और एक इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट की जो छूट है वो हमें सेक्शन 80C के तहत मिलती है 1.5 लाख रुपए तक, और जो हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, जो हम जानते हैं कि 1.5 लाख रुपए तक हमें जो उसमें सेक्शन 24 के तहत जो हमें बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट का, यानी कि जो सैलरी वाले एम्प्लॉई होते हैं उनकी तो इनकम उतने से कम हो जाती है जो इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन होता है। तो हमें सबसे पहले ये डिटरमाइन करना होगा अपने बैंकर से एक सर्टिफिकेट लेके कि मैंने जितना पूरे साल के अंदर पेमेंट किया है उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, पैसा पहला प्रिंसिपल रीपेमेंट और दूसरा इंटरेस्ट पोर्शन। और जैसे हमने हाउसिंग लोन लिया है तो हाउसिंग लोन की तो हम रीपेमेंट अपने घर से बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर मैंने अपने अकाउंट को KYC कराया हुआ है, नेट बैंकिंग ली हुई है, तो मैं अपनी किस्त को घर बैठे पे कर सकता हूं, तो फिर मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं है, और इससे मैं सेक्शन 80C के तहत इसका बेनिफिट लेके 1.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकता हूं अगर मेरी प्रिंसिपल अमाउंट उतनी अमाउंट तक है। ओके, तो बहुत ही आसान तरीके घर पे बैठ के टैक्स बचत के लिए निवेश करने के, जिसमें हमने बात की 5 ऐसे तरीकों की। बैंक फिक्स डिपॉजिट 5 साल का, जिसमें आप घर बैठे निवेश कर सकते हैं। ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, घर बैठ के इसमें निवेश किया जा सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी घर बैठ के ऑनलाइन किया जा सकता है। PPF में भी घर बैठ के आप आराम से ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। होम लोन रीपेमेंट, इस पर भी ऑनलाइन निवेश के फायदे बताए राज चावला आपने। शो एंड करने से पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी 3 ऐसी सावधानियां जब भी आप ऑनलाइन किसी भी पॉलिसी के लिए या कोई भी निवेश करने के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें? ऑनलाइन पॉलिसी जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले मुझे उस स्कीम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि बिना अंडरस्टैंड किए, क्योंकि आज की डेट में हम सब लोग जानते हैं कि इस तरह के फ्रॉड्स और गलत स्कीमें भी चलती हैं। और अलावा जब भी मैं पेमेंट करूं तो पेमेंट के टाइम पे भी मुझे पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। कभी भी मुझे अपना जो पासवर्ड है या जो मेरा कोड आता है वो मेरे को किसी और को नहीं बताना चाहिए। और अलावा मुझे कंपेयर करना चाहिए किसी भी पॉलिसी को। पॉलिसी करने से पहले मुझे मार्केट में देखना चाहिए किस किस कंपनी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कंपेयर करके तभी मैं पॉलिसी कराऊं तो मेरे लिए फायदे में रहेगा। तो अगर अभी भी आप इन्वेस्टमेंट प्रूफ के लिए इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए हैं तो ये आपके लिए तरीका है, घर बैठे ऑनलाइन निवेश करने का। तरीके हमने आपको बताए और क्या सावधानियां बरतनी है आपको, इस पर भी हमने चर्चा की। बहुत शुक्रिया राज चावला हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल होने के लिए।